जनपद संभल के चंदौसी में विकास नगर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया। आपको बताते चलें, भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक कैंप कार्यालय विकास नगर पर लगाया, जिसमें भाजपा नेताओं ने कार्यालय पर लोगों को भाजपा की नीतियां बताते हुए उनके मोबाइल से मिस कॉल देकर भाजपा का सदस्य बनाकर अभियान चलाया। भाजपा नेता मंजू दिलेर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता चल रही है। इस बार इस सदस्यता में हम लोग जो नए युवा हैं, जो वोटर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भाजपा नेता सुधीर मल्होत्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, नौजवान बुजुर्ग महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इसलिए एक कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही पार्टियों की नीतियों के बारे में बताया गया। आज आपने सदस्यता अभियान चलाया है, क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, उस परिवार में और भी हमारे बहने, विद्यार्थी, बुजुर्ग, नौजवान बड़ी संख्या में जुड़े, ऐसा संकल्प लेकर हम सदस्यता कैंप लगा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आज के इस कैंप का आयोजन किया गया है। हमारा लक्ष्य है पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का, जिसमें मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो और हमारे सम्मानित बुजुर्ग हो, तो उन सबको लेकर हम 1.5 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करेंगे। अभी हमारे 2 करोड़ सदस्य हैं, इस तरीके से हम 3.5 करोड़ तक हमारा कार्यकर्ता हमारे सदस्य बन जाएंगे। ये भाजपा के लिए भी उपलब्धि होगी और बनने वाले भी गौरव को महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। आप चंदौसी में कैंप लगाकर सदस्य बना रहे हैं भाजपा के, क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय सदस्यता चल रही है जो हर वर्ष होती है। इस बार इस सदस्यता में हम लोग जो नए युवा हैं, जो नए बच्चे हैं, जो भी वोटर भी बन रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं आती हैं और उन योजनाओं के विषय में उन्हें अच्छे से जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन सके।